नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को किया जाना है। उनके दौरे से पहले यहां रंग रोगन का काम भी चल रहा है। यहां की इमारतों को गेरुआ रंग से रंगा जा चुका है। वहीं अधिकारियों ने एक मस्जिद को भी गेरुआ रंग से रंग दिया है, जिस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। वहीं विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को गेरुआ रंग से रंगा जा चुका है और कुछ रंगा भी जा रहा है। इसी के चलते एक मस्जिद का रंग भी गेरुआ कर दिया गया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया है। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण यहां एक रूपता लाने का दावा कर रहा है, तो वहीं लोगों का आरोप है कि उनसे बगैर पूछे इमारतों को रंग दिया गया। बुलानाला इलाके के सड़क किनारे एक काफी पुरानी मस्जिद है, जिसे बुलानाला मस्जिद भी कहते हैं। इसका रंग सफेद था। अब आरोप है कि प्राधिकरण ने सफेद रंग पर हल्का गेरुआ रंग रातों रात पेंट कर दिया। इससे मस्जिद से जुड़े लोगों में काफी रोष है और वो इसे मनमाना और तानाशाही रवैया बता रहे हैं। वहीं मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के मोहम्मद एजाज इलाजी ने बताया कि उनके मस्जिद का रंग रातों रात बदल दिया गया। अगर कुछ करना भी था तो एक बार पहले बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये मनमानी और तानाशाही है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।